बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फेमिनाज किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके, और ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज हम बना रहे हैं फ़िश बिरयानी। आज हम बनाएंगे फ़िश बिरयानी बहुत कम मसालों में और फटाफट से तैयार कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ बता जाऊंगी, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और एक फुल रेसिपी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चावलों को बॉईल करने के लिए जो पानी रखा था वो गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें भिगे हुए चावल ऐड कर दूंगी। एक साइड पे हमारी चावल बॉईल हो रहे हैं, तो एक साइड पे मैंने बोला फिश को ज़रा फ्राई कर लेते हैं। एक साइड पे हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। वन टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब साथ ही इसमें मैं 2 दरमियाने साइज के टमाटर डाल दूंगी। वन टेबल स्पून इसमें जाएगा बिरयानी मसाला। वन टेबल स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ, सॉरी साबुत। इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें एक छोटा कप में तली हुई प्याज डाल दूंगी। वन टीस्पून इसमें नमक जाएगा। वन टीस्पून इसमें जाएगी साबुत कसूरी मेथी।
इसको मिक्स करेंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा दही। मैं दही थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, तकरीबन 3 टेबल स्पून है। पहले चावल की एक लेयर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छे से इसको स्प्रेड करेंगे। अब हमने जो इसकी ग्रेवी बनाई थी वो इसमें डालेंगे। अब फिश के पीसेस रखेंगे इस पे। अब इसमें थोड़ा सा धनिया है, सॉरी पुदीने के पत्ते स्प्रिंकल करेंगे फ्रेश, और फूड कलर जर्दा रंग। मैं इसको दूध या पानी में डाल के इसी तरह कर रही हूँ। अब इसको दम पे रख देंगे 10 मिनट से 15 मिनट के लिए। पंद्रह मिनट हो गए, अब हम इसका दम हटा देंगे। बिस्मिल्लाह, जबरदस्त खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब चावलों को चेक कर लेते हैं एहतियात के साथ। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। व्यूज़, इसको मैंने डिश आउट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी सिंपल से ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं आती तो डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।